राजवीर जी, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और आपने उत्तर पूर्वी लोकसभा चुनाव लड़ा आपने, जी और आपने हर एक गली कूचा जाके देखा, पूरा दिल्ली, आधी दिल्ली का आपने भ्रमण भी जी कर लिया है। आप जी पूरी बसपा की राजनीति को भी समझ गए हैं। जी अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आपको उच्च कोटि का पद देके आप दिल्ली का नेतृत्व करने को कहती हैं, तो आप किस तरीके से इस नेतृत्व को विधानसभा के रूप में बदल के दिखा सकते हैं और कितनी सीटों पर अपना दावा ठोक सकते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है माननीय बहन जी का कोई पद देने का, मेरे को जो भी वो पद दें ठीक है, या जो भी मेरे को वो काम दें ठीक है, वो काम मैं हमेशा आज तक करता आया हूँ और निश्चित तौर से आगे भी करता रहूँगा। जहाँ तक बात है विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी वास्तव में इस बार बहुत अच्छा करने वाली है, चाहे यहाँ पे पदाधिकारी कोई भी रहे। समाज में बहुत जागरूकता आ गई है। मैंने अपने चुनाव में देखा कि जो लोगों का उत्साह था, जो लोगों का आशीर्वाद था, जो लोगों का प्यार था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आम आदमी पार्टी जो 67 सीटें जीत चुकी थी, उसका एक भी सीट नहीं आने का कारण असल में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं है, उसका कारण बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज है जो इकट्ठा हो गया। बहुजन समाज इकट्ठा होने का कारण ये हुआ कि भारत जो आम आदमी पार्टी है वो हाशिए पे चली गई, और निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी हाशिए पे जाएगी, क्योंकि वो वोट सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का उनके पास वोट था, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस लौट चुका है, बहुजन समाज पार्टी में आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा में बहुत अच्छा करेंगी। अगर मेरे को बहन जी कोई भी जिम्मेदारी अगर देती हैं, तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी में मैं जितना कर सकता हूँ उससे कहीं आगे चल के करूंगा, और मेरे को उम्मीद है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे ऐसा प्रदर्शन करेगी कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी तो बाकी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी की इस बार यहाँ पे सरकार निश्चित तौर से बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वोट थे, जो हमारे वोट थे, वो हमारे पास बिल्कुल पूरे तरीके से आ गए। जिस तरीके से काउंसलर एक घूमता है अपनी गली में, उस तरीके से मैं घूमा। बहुजन समाज पार्टी के जो वोट हैं वो एक तरफे वोट हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ, और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा में दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।